तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को इस पेंसिल वाले क्रॉसबो को बना के दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस इससे पहले मैंने जो आइसक्रीम स्टिक वाला जो क्रॉसबो बनाया था वो थोड़ा हार्ड बन गया था, और कोई लोग बोल रहे कि मेरे पास वो जो आइसक्रीम स्टिक ही नहीं है, इसीलिए मैंने फ्रेंड्स इस वाले क्रॉसबो को बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से आपसे बन जाएगा, और ये जो पेंसिल है ये आपको अपने घर में मिल जाएगा जैसे कि आपको पता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह के चार पेंसिल को ले लेंगे, तो इसके जगह आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो यहाँ पर मैं पेंसिल से ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग दो पेंसिल को पहले लेंगे, और यहाँ पर जो मार्क लगा हुआ है इस मार्क के हिसाब से हम लोग इसको पहले कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कट करने के लिए इस तरह के आरी का इस्तेमाल करूँगा, और इसे मैं कुछ इस तरह से इस जगह से इसको काट लूँगा। तो फ्रेंड्स एक साइड को काटने के बाद हम लोग दूसरे साइड को भी हम लोग काट लेंगे, मतलब दूसरे पेंसिल को भी काट लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इनको काट दिया है। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से दो पेंसिल को काट लेना है, और जो हम लोग का दो पेंसिल बचा था एक्स्ट्रा वाला इनको हमें ले लेना है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का रेडी हो चुका है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इन पेंसिल को छील लेना है। तो फ्रेंड्स आपको इतना छीलना है कि सिर्फ इसका ग्रेफाइट ना निकल जाए, सिर्फ इसको आपको इतना छीलना है ताकि हम लोग का जो काम है वो बन जाए। तो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि कितना आपको छीलना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इनको छील दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने इसका ग्रेफाइट नहीं निकाला है, तो इसके पीछे भी हमें इसी तरह से छील लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से इसको छील लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें एक रबर बैंड को लेना है, और इसको इस तरह से हमें इसको बराबर करके रबर बैंड को बांध देना है। तो फ्रेंड्स एक तरफ में मैंने इसको बांध दिया है, अब हमें दूसरी तरफ में भी इसी तरह से इस रबर बैंड को हमें बांध देना है। तो फ्रेंड्स इसको बांधने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपने पेंसिल को ले लेंगे, जो कि हम लोगों ने दो एक्स्ट्रा पेंसिल लिया था, तो हम लोग इसको ले लेंगे। इसको लेने के बाद हम लोग इसको एक साइड को हम लोग रबर बैंड की मदद से उसी तरह से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इनको इस तरह से रबर बैंड की मदद से इनको भी टाइटली बांध देता हूँ। तो इनको बांधने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को एक साथ में इस तरह से जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए भी हम लोग रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं रबर बैंड को दो डबल कर लेता हूँ। तो डबल करने के बाद हम लोग इसको सिंपल से इसमें फंसा देंगे। तो फ्रेंड्स इसको करने में आपको शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपको इसको आसानी से कर सकते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दो रबर बैंड का इस्तेमाल करके इसको पहले टाइट कर लेता हूँ। तो टाइट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से करने के बाद अब हम लोग इस तरह का जो पेपर वाला क्लिप होता है हम लोग इसको लेंगे। तो फ्रेंड्स आके मैं आपको जो पेन का ढक्कन दिख रहा है उसको मैंने सिर्फ सीधा करने के लिए लगाया था, मैं इसको बाद में हटा दूंगा। तो पहले हम लोग इस पेपर क्लिप को इस जगह पर हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक टेप का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पर फिक्स करूँगा, तो इसकी जगह आप दूसरे टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको इस तरह से बांध लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हम लोग का इस तरह से काम करेगा, तो इसका काम हम लोग आगे जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अब हम लोग इसका जो रस्सी होता है उसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग दो रबर बैंड को लेंगे और आपस में कुछ इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद हम लोग एक पार्ट को हम लोग इस साइड में लगाएंगे, और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग दूसरे वाले साइड में कुछ इस तरह से लगा देंगे। इसको लगाने के बाद हम लोग सिंपल से जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इस तरह से आपको करना है, और ये जो क्लिप होता है इसमें हमें फंसा देना है। तो ये इस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स अब हमें कुछ इस तरह से जो पेन वाला बॉडी होता है पेन का हमें इसको ले लेना है। तो इसको मैंने काट के छोटा कर लिया है, हमें इसको इस जगह पर रबर बैंड की मदद से फंसा देना है। तो मैंने इसको इस तरह से फंसा दिया। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, सिंपल से पहले हम लोग को इसको इस तरह से घींच के लाना है और इस क्लिप में आपको फंसा देना है। फंसाने के बाद हम लोगों ने जो पिछले वाले वीडियो में जो एरो बनाया था हम लोग उसी को लेंगे, और हमें कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है, और क्लिप को हमें दबाना है तो ये फायर करेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल पर